नहीं देखिए, रुलाना बड़ी आसान बात है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल बात है, राइट? हमारे पास हमारे पाकिस्तान के बहुत मशहूर तीन कॉमेडियंस हैं जो आज DHA के गुजरावाला में यहाँ फैमिली फेस्टिवल को हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए हैं। और मैं बताऊं कि वो इस वक्त हैवी वेट कॉमेडियन बन चुके हैं पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के। टोटली। और आज देखिए इतने बड़े फैमिली फेस्टिवल पे जो गुजरावाला में पहले कभी नहीं हुआ, तो ऑल थैंक्स टू DHA गुजरावाला फॉर दिस ब्रिलियंट फैमिली फेस्टिवल जो आज भी है, कल भी है। आज डिफरेंट एंटरटेनमेंट है, कल बिल्कुल डिफरेंट लोग हैं, और आप सब आज भी हमारे साथ हैं और कल भी हमारे साथ होंगे। कल मैं आपको बताऊं, कल आपके बीच हमारे साथ मौजूद होंगे कॉमनवेल्थ चैंपियन नूह भट्ट, जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया गोल्ड मेडल जीत के। कल वो हमारे साथ होंगे, एक दफा भरपूर तालियां होनी चाहिए नूह दस्तगीर भट्ट के लिए। अच्छा जी, अभी आप सब अपनी भरपूर तालियों में वेलकम करें हमारे मशहूर और मारूफ कॉमेडियंस आगा माजिद, गोगा पसरूरी, सलीम अलबेला। एक दफा आपका भरपूर शोर होना चाहिए। द हैवी वेट कॉमेडियन पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम आगा माजिद, गोगा पसरूरी एंड सलीम अलबेला। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर। मैंने एक बात पूछी है कि जो लेफ्ट पे हमारी इतनी जबरदस्त फैमिलीज बैठी हुई हैं, आप लोग एंजॉय करें या नहीं? आर यू गाइस एंजॉयिंग? आर यू गाइस हैविंग अ गुड टाइम? एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। अच्छा, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर फॉर आगा माजिद, गोगा पसरूरी, सलीम अलबेला। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके यहाँ आने का। अल्लाह पाक आपको भी सोसाइटी में घर दे। DHA वाकई जिंदाबाद है। तो हमारा काम आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरना है ताकि हमारा प्यारा पाकिस्तान इसी तरह मुस्कुराता रहे। आगा माजिद, लेजेंडरी एक्टर, भरपूर क्लैप होनी चाहिए आगा माजिद साहब के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत मस्त है, बड़ा प्यारा जी। थैंक यू सो मच जी। आजान इलाही, एक बच्चा गुम हो गया है, आजान इलाही उसका नाम है, राइट? आजान इलाही, उनके फादर अभी स्टेज पर हैं। आजान इलाही, अगर आप मेरी आवाज सुन सकते हो तो आप प्लीज बैक स्टेज आ जाओ बेटा, आपके फादर इधर आ रहे हैं। आपके पापा आपको ढूंढ रहे हैं, आप इधर आ जाए। वैसे आप खेल लें जिधर मर्जी, पापा से मिल लें। बच्चे बड़े मासूम होते ना गोगे फिर। हाँ जी, हाँ जी, बच्चे मासूम होते। हाँ, गोगे अगर बच्चा पैदा हो जाए ना, हाँ जी, तो माँ बाप रात को दूर सौदा लैंड भेज दे के कोई रात को चुक के ला जाए। और आगा साहब, आपको कैसा लग रहा है पब्लिक में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, जीते रहे, हंसते मुस्कुराते रहे जी। थैंक यू। आप हमारा साथ देंगे तो शो अच्छा होगा जी। हाँ, आपके लाफ्टर, आपकी क्लैप हमें चाहिए, फिर ऑक्सीजन आता है अच्छी बात करने का जी। डेफिनेट, माशाल्लाह। ए गुजराला भाई, पंजाबी बोलनी पैनी, मैं तां दसां गुजराला, गुजराला जिंदाबाद, गुजराला पलवाना दा शहर है। शहर तरक्की बड़ी है, पखे भी इत्थे ही बनते ने। आ पखे दे तीन पर ला दिए ना, थलो एहो जिहा निकल आउंदा। ए तेरे नेड़े पैंदे सी पखा, ए नहीं ठीक। दोवां दे इक्को जिहा है, जां उहनूं वाल दे दे जां उहदे कोल ले ला, इक जणा ते सही फिरे। होर लोकां दे दिल दे वाल बंद हुंदे, तेरे सिर दे हो गए ने। इहो जिहा बंदा नहाउण लगी नहाउण लग्गिया सिर ते शॉपर पा लैंदा, कहिंदा मेरी अकल च पाणी पै गिया। आप जूठा नाश्ता करके ते होटल वालेयां नूं कह रहे हैं, कहिंदा तुहाडे चनियां चों गल नहीं रही,
कहते चवला कि ताजा करेगा तो तेन जायका आऊगा। ये मैं क्या? ये तू क्या? अच्छा जी, इतने की चाची इस्त्री रख के भुल गई की हो? ते तुहानू चाहिए सी ना चाची नू पढ़ा लिखा के मैनू दें दे। बेचारी अनपढ़ जी सी, मैंने देती उन्हें इतनी रखनी सी। नहीं, चार कलमे पढ़ाए और बीए करा के तेरे ना दें दे। हाँ ये अलबत्ता है, अल्लाह माफी दबे। और जी गोगा साहेब, मैं कहना भी माशाल्लाह गोगा गोगा गटर जी डिग पे, मैं कहा बाह फड़ा के ना, नहीं मुझे मस्त माहौल में जीने दे। फिर एक बारी डिग पे, मैं कहा गोगे हाथ फड़ा, कहना नहीं वो तो शैंपू फड़ा। ऐवे घर च सारे भरा काले काले, घर दे बाहर लाया वाइट हाउस। अच्छा गोगे एक छोटा जा सवाल है जी। जी अगर तेरी अखा दे सामने पानी गर्म करिए तो नहा लेगा? नहीं, ये नहीं नहाउंदा। इन्हें एक बारी नहाउंदा भाजी, नहीं नहाउंदा कसम ना, नहीं नहाउंदा। एक बारी इन्हें नहर च छाल मारी, छिछर वाली नहर नहीं, हां ओदे च छाल मारी, अगो सप सप इहनू वेख के कहिंदा ओए सप। इन्हें एक बारी छिछर वाली नहर च, तैनू सच्चा वाकया सुनाओ, छिछर वाली नहर च छाल मारी ते डड्डुआं ने बाहर मार दित्ती। ओए होए, उन्होंने कहा अगर इस गंदे बंदे ने अंदर रहना ते असीं नहीं रहना। चवला मीटर कट के लै गए घर दा, ए बुढ़ी मेरी ने गया इधर हो जाओ करना डिग नहीं उधर। इन्हें तो घर ना डाकू आ गए। अच्छा, तो डाकू इन्हें लुट के नहीं लगाए, फिर जान लगे तो रंग गोरा करने लिए करीमा लिख के दे गए भी लाया करो। हाँ आगा साहब भी यकीन, एक दिन इन्हें चोरी की थी, चोरी ने फड़ लिया। आगा साहब नू कहंदे तू एडा अच्छा फनकार चोरियां करदा, तैनू शर्म नहीं आउंदी? इहदा मूंह काला करके खोते ते पाओ। खोता इहनू वेख के चोरी दे पैरी पै गया, कहंदा चोरी मेरे ते पा दिओ, इहनू मेरे ते ना पाउणा। मैं सलीम दे घर गया, मैं कहा भरजाई कितें, कहंदा हुण तां मैं तलाक देती। ओ क्यों? मैं कहा क्यों? कहंदा मैनूं चाह जी तवीज़ घोल के पिआउंदी सी। मैं दस्सिया, मैं कहा कमीने आ, इह टी पैक सी, कोई मसला नहीं। आप जाके मैं घर देखा तो बेगम नू मार रहा, मैं कहा और आजाद नू नहीं मारी दा, कहिंदा सवेर दा मैनू ही कही जांदी भरावा तेनू कितें वेख्या है। सलीम ने अपने आपे नू कोठे ते धक्का देता, मैं कहा ये की कीता, कहिंदा ड्यू ना पिया तो क्या जिया, जान दे। इन्हें अपने आपे नू जिथे मछी तल दे उथे धक्का देता, मैं कहा कि कहिंदा स्प्राइट का तड़का। अपने अबे दी कबर दे विच नींबू सुट रहा, मैं कहा ये की, कहिंदा अब्बा जी नू शिकंजवी बहुत पसंद सी। आप अपने अबे दी कबर ते ना पानी सुट्टी जा रहा, सुट्टी जा रहा, सुट्टी जा रहा। मैं कहा इन्ना पानी क्यों सुट रहा, कहिंदा अंदर अब्बा साबण ला रहा। ये गोगा मां प्यो दा कल्ला कल्ला ही पुत्र है, अल्लाह माफ करे, अगे होना भी नहीं सी चाहिदा, यही देख ला। कल इन्हे ना सदका दिता, सदका सिर तो गोश्त वार के सुटिया सदका, चड़ेला ने वापस सुटता। कहंदी आपस च तो लैण देण हुंदा ही नहीं। जनाजे ना जा रहा ते अगो एक जनाजा आ रहा, उन्होंने कहंदा वटाउणा। चोरी करन गया पहली दफा, हाँ ते पहली दफा फड़िया गया। क्यों? पीपनी वाली जुत्ती पा गया, पी पी पी। अपने प्यो की अद्धी जबान ही वड़ती, मैं क्या ये की, कहिंदा हुण अद्धी जबान नाल काम कहेगा, मैं भज के करांगा। इन्हें अपने वड्डे भरा की बांह वड़ दी। क्यों? कहिंदा नवी गड्डी लैके दी, एक कच रहेगी तो ज्यादा बेहतर रहेगी। गोगा एडा बेवकूफा, बाटा की दुकान से सारिया जुत्तियां देख के कहिंदा सर्विस सर्विस ही है। ओ लै गए पिछले कमरे च, वह सर्विस की इहदी, बाहर निकल के कहिंदा नहीं बाटा भी ठीक है। कुलां दी रोटी खा के घर वालिया नू कहिंदा बहुत अफसोस होया जी, जरदे की जगह से कस्टर्ड हुंदा ते मजा ज्यादा होना। कहिंदे चवला साडा प्यो मरिया, तेनू कस्टर्ड सुझण डे। आवे बच्चे डीएचए दे किड़े किड़े प्यारे गोगे, माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे ये कंप्यूटर नाल खेलदे, गड्डियां नाल, इहदे बच्चे छत ते चढ़ के पहले तेरी थुक थले जांदे कि मेरी इत्थों। ए माशाल्लाह प्यारे प्यारे, और थले इहो जिहा बंदा हुंदा कहिंदा इसकी आई है।
ये इसकी आई है क्योंकि मुझ पे गिरी है ना। माशाल्लाह प्यारे प्यारे बच्चे, हाँ जी, अमीर लोगों के बच्चे, बेशक इन्हें जो मंगना है बाबा मैं बर्गर लूंगा, मैं पिज्जा लूंगा, हाँ इन्हों के बच्चे जो जिद करेंगे अबा मैं दवाना लेना अबा। उन्हें कहा बेटा नहीं दवाना बेच के अबा लिया। ये उर्दू भी बड़ी अच्छी बोल देना, गोगे के बच्चे उर्दू बड़ी अजीब बोल दे, पापा कल हम टांगे पे बैठे तो घोड़ा भूतर गया था। गोगे के बच्चे ना गोलगप्पे खान गए, आगे कहते पापा हमने ना वहां से ना बागे जिना से गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे वाले ने ना खट्टा डाला और थलो पहा हट गया। अच्छा बचा के लामा दे रहा सी, पापा ये साथ वालों के बच्चे ने ना मुझे पाका वाटा मारा है। अच्छा मेरे बच्चे कोई अगो ये कहना की कोई बात नहीं बेटे आप भी उसका चाटा पूट लेते और अल्लाह माफ। ये सारिया गल्ला मामुआ नु बहुत पता है। नहीं नहीं आओ इधर आओ इधर आओ। नहीं यार गलत गल है सानू मामू बना दे है। नहीं कोई बात नहीं मामू बन जाते हैं माशाल्लाह। देखो दोनों का सिर ही एयरपोर्ट अर गया। हाँ तो तेरा भी मुंह जंगी जहाज रहा। लेकिन मैं एडी गंदी जगह तो नहीं उतरना। अच्छा इस तरह के सप्प होंगे डंग ना ना मारा जाए तो पिस्तौल ना गोली मार देंगे। वाह जी वाह। गोगे दे वाले साहब ने ना दुआ की कहना बाबा जी हाँ अल्लाह पाक मेरे घर पुत्र देवे हाय मैं तुहाडे चादर चढ़ावा। फिर जो ये होया हाँ अल्लाह का शुक्र है अपने घर पकाई दा मैं लंगर ते क्यों जावां। लै किथे आप घर पकाई दा तू ते इन्नी रोटी खाना वो अंडरटेकर है ए लंगर टेकर है। हां मैं ते बहुत रोटी खाना तू ते अपनी जेब च हुण भी बाजरा रखिया है। इनू तो शादी का कार्ड आवे उत्ते लिखे होंदा खाना घर से खा कर आए। इन्नी रोटी खांदा यकीन कर। अच्छा एक बारी मैं दावत की थी, आज तक करजा ला रहा। अच्छा जी बहुत रोटी खांदा। ओए होए एक बाबे दे मेले ते गया उत्ते लंगर खाई जा रहा है। एक मलंग कहिंदा तू बाबे नूं मानना कहिंदा मैं नहीं मानदा कहिंदा फिर उठ खलो बाबा तैनूं मान गया। हां और जिद्दन तू मरना ना चार बंदे होर मर जाने। ओ क्यों जी जिन्होंने तेरे जराजे नूं मोढा देना होवे तां मर गए ना बेचारे। बिल्कुल सही है तरह से जनाजा भी आसान होना। ओ किस तरह नुआ तो आके शापर च पा के कलमा शहादत है। यार कब्रस्तान इधर है जनाजा तू घर ही सुट लिया। ओ मैं के जल कुत्ते बिल्ले खा लेंगे आज भुखे ही पे। नहीं पता नहीं राजदा ही नहीं की होया। हाँ जी हाँ जी दसो की होया। अच्छा मैं लंगर दी लाइन च लग्या तुहाडी गल सी। आहो लंगर की लैन तो लगे तो यदि वारी आई तो चौल खत्म हो गए वंडन वाले का गिरेबान फड़ लिया कहिंदा बंदियां दे हिसाब ना मन्नत मन्नी दी हुंदी है। इंडिया चला गया तो ओया ड्राउन परे कर लियो इत्थे उतर जाना भाई जी। ओ इंडिया इंडिया गया। अच्छा तो उत्थे फड़िया गया। उन्होंने कहा की ना तेरा ते घबरा के कहिंदा जी मलक अजय। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਸੂ ਪੰਜੂ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ। ਇਹ 6-7 ਭਰਾ ਵਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੀ ਆ। ਕੌਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਓਏ ਭਰਗੋ ਬਾਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰ ਗਾਇ। ਇਹ 6-7 ਭਰਾ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਹੀ ਆ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲਦਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਰਬੜ ਚੜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੋਗੇ ਹੋਣੀ 6-7 ਭਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲੇ ਸਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਖਾਲੀ ਨੀਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗਲੋਂ ਨੰਗੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਘਰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਅੰਦਰ ਇੰਜਣ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ। ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਪ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਤੂੰ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਡੇ ਆ ਡੰਗ ਕੀ ਮਾਰੀਏ। ਗੋਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੀਸੀ ਹੋਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾ ਤੋ ਉਥੋਂ ਫਰਨੈਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਵੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਮਖਾਣੇ ਫਿੱਕੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਿਆ ਪੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੋ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪੀ ਸੀ ਹੋਟਲ ਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਹੀ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ?
यार मैं नहीं जा सकता। तेनू किने वड़न दिता पीसी? तू पीसी को जाना, तू इत्थे लारी अड्डे चनिया नाल रोटी खा बह के आराम। तेरा पीसी की काम है? ये की गल हुई, मेरी पीसी ते पाबंदी है। पहली दफा पीसी होटल गया, उन्हें वड़ दे रिसेप्शन ते पूछे आपको कमरा चाहिए? हां। कहता नहीं, छत ते मेरा कबूतर आया। चलो छत ते मेरा कबूतर। हां आया नहीं गोगे ना, अफसोस ते करो। कादा जी 4 लाख रुपया बिजली दा बिल आ गया। ओ कादा आसमानी बिजली भी इहदे खाते पाती है। आप दरबार तो मार खा ली, उत्थे बाहर लड्डू पए, कहंदा बाबा जी मंगनी करा ली, सानू दस्या ही नहीं। ये मैं क्या क्या होएगा, केड़े वेले क्या? अच्छा आगा साहब स्मार्ट होया करो, वॉक करया करो तुसी भी। किस तरह यार? सवेरे सवेरे गुजरां दियां मझां निकलदियां, नाल ही निकल गया। आओ पठे पुठे चार के वापस आ गए। अच्छा जी, इहनू ते मझां वेख के घुंड कढ लैंदियां, कहंदी साडा सौहरा आ गया। तुसी सुणा, तुसी भी कुछ खाया पिया करो। मैं एक बंदे दा 20 लाख खा गया, और किन्ना खा जावां। और रोटी पानी की गल करना? हाँ रोटी खाई दी है जी। टोल बजा लेना, तू अबा नहीं चाहना? अबा नचाना नहीं। हाँ मैं अबा व्याहना। अबे दी शादी नहीं हुई? नहीं। ते तुसी कुरानदाजी चो हो? अच्छा इदां दे इंडिया दिया फिल्मा च होंदे अपने अबे नू कहंदे आ, पिता जी मुझे परीक्षा दे दे, मैं युद्ध करने जा रहा हूं, ते अपने चौंक चो ही चंडा खा के वापस आ जांदे। मेरे वर्गे बुद्ध दे बुद्ध युद्ध करते हैं, बुद्ध के बुद्ध है ना युद्ध करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो अगे होर तोरो। माशाल्लाह तुहाडा वजन घट सकदा है? किस तरह जी? आप भी घटिया करो थोड़ा जी। अच्छा गोगा जी तुहानू गाना आंदा? नहीं जी मैनू गाना नहीं आउंदा। उहनू साह खरे किस तरह आउंदा? ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਗੋਗਾ ਛੱਤ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਮੱਛਰੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਘੂੰ, ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਤੂੰ। ਉਹ ਹੀ ਮੱਛਰ ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਘੂੰ, ਧੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। ਬਸ ਕੋਈ ਭੇਤੀ ਮੱਛਰ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਨਣ ਵਾਲਾ ਮੱਛਰ ਸੀ। ਗੋਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਕੱਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਲੀਮ ਨਾ ਦਾ ਏਡਾ ਬੇਚਾਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਕਾ ਇਹ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ੂ ਚ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਂ ਵੀ ਛੀਂਟੇ ਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਰਿੰਜ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਲੀਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਸਲੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬੋਤਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਵਾਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ। ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦਈਏ। ਹਾਏ 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 ਦੇ ਗੋਗੇ ਸਲੀਮ ਤੇ ਐਡਾ। ਹੈਲੋ ਦੇਖ ਤੇ ਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਓ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਦੇਖ, ਥੱਲੇ ਆਬਸ਼ਾਰ ਆ ਯਾ ਥੱਲੇ, ਓ ਦੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਓ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਦੇਖ, ਇਹਨੂੰ ਫੋਬੀਆ, ਫੋਬੀਆ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਨਾ ਫੋਬੀਆ। ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਬੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਬੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਫੋਬੀਆ। ਫੋਬੀਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ 30,000 ਫੁੱਟ ਕੀ ਬੁਲੰਦੀ ਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚੀ ਜਾਓ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਆਪ ਏਡਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾ। ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ, ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪ ਪੈਪਸੀ ਪੀਏਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਤੈਨੂੰ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਪਈ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਇਹ ਰੋਸਟਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਾ ਮਾਹੌਲ ਕੈਸਾ ਲਗਾ? ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਵਰਗਾ, ਨਾ ਘਰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਡਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾ ਬਰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਦਾ ਵੀ ਦੇਵੋ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੰਡਣ ਦੇ। ਆਹੋ ਯੈਸ ਐਨਜੋਏ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ
गोगे होना ने ना वड्डी ते बकरे लै ये अबे ने इनू कहा जा बकरिया नू फरात रा के लिया ये बकरिया नू मरी लै गया तेन पुत्र सही वाक्य का नहीं पता होया की सी की नवा नवा इन्हों को पैसा आया आफरे ही इन्ने सी ओए होए होए छोटी ते बकरे कुर्बान कर देते आप एडा कमजोर वड्डी ते इन्हां ने लिया वैड़ा वैड़ा ई तो दो दिन पहले चोरी हो गया ओए होए होए थाने गया रिपोर्ट करान हाँ थानेदार जाके दा साडा वैड़ा चोरी हो गया उन्हें कहा कोई सबूत ते घरों पट्ठे चुक के लै गया और इस गल ते यकीन करो वैड़ा मूहो दस रहा है ए मैं तो अच्छा वडीद नू एडा कमजोर बकरा लै लिया लोकां ने बकरे जिबा किते उन्हां दी रूह सतवें आसमान तक गई एडा कमजोर सी अपने बरामदे नाल वज के थले आ गई गोगे तेनू से डीएचए च प्लाट लै देना सी अच्छा जी भावे तेनू ना वड़न देन लै देना ही मैं चलो मैं दूरों दूरों ते वेखांगे मेरा ही है असल च मैं प्लाट लै बैठा इधर रावी आले इलाके च अच्छा जी पांच मरले दा प्लाट तेनू कहने गया सी उत्थे लै ओ बस किसे दे कहण ते लै बैठा हां वो मेरा उतो रुड़ गया थलो किसी और दा निकला आया बस उन्हें पानी पूनी दे उन्हें वड्डा कर अच्छा गोगे सच्ची सच्ची गल दसनी जी जी कितना अरसा हो गया नाते हैं है? कितने याद हो गए कितने सवाल नहीं कितने तेरे याद हो गए कि हम टुरे जाते पैर फंसे आवे टप जी डिग पे हमें कभी ऐसा हो जाओ एवं माली बूटिया पानी देंदा देंदा तेरे वाल पैप करता हो रसाई चो पैर बहार हो समझ गोगा सुता है ना तारक मचार मैं कर गया सारा टब्बर ना एडी एडिया गोडिया उचे रजाइया पा के लम्बे पे जराबा फिर मैं कहो एडिया वड़िया जराबा क्यों पाईया कहते साड़िया रजाइया छोटिया तारक अजीज दे शो ते गया उन्होंने कहा वो कौन सा जानवर है जिसके दांत नहीं तो उठ के कहंदा मेरी दादी चले आपको तारक अजीज के शो में लिए चलते हैं जी हाँ गोगे एक सवाल पर मोटरसाइकिल क्योंकि आप मेहमान बनते हैं डीएचए कॉलोनी के जिनका मियार बहुत अच्छा है डीएचए आपके लिए एक सवाल पर मोटरसाइकिल गलती की गुंजाइश नहीं आपके वालिद का नाम बशीर गलती हो गई मेरे भाई बहरहाल बशीर भी करीब तरीन है दुरुस्त मान लेता हूं हेलो बशीर आहो दूसरे सवाल पर आपको पांच मरले का प्लाट मिलेगा जी, मेरे जी। भाई आप ये बताएं कि पंजाब में कितने दरिया हैं पांच ते नौंदा क्यों नहीं आप बताएं कि पंजाब में कितने दरिया हैं पांच तो डूब के क्यों नहीं मरता आफाद मुस्तफा दे शो च गया उन्हें क्या कौन सा डब्बा खोले थे आप नु भूख लगी सी कहंदा रोटी वाला जी और आपका कोई सवाल अल्लाह का शुक्र है मेरा 150 दा सवाल है दे दे आपसे मेरा एक और सवाल गोगा जी मैं फुल तैयारी के साथ आया हूं फिर कोई सवाल नहीं हैं गोगे दी मैं एक बारी दावत की थी अपनी बेगम ने मैं कहा खाने छाने बना मेरे एक दोस्त आ रहा है वो सारा दिन लग के बेचारी ने खाने बनाए शामी जदों इनू वेख्या कहंदी है तेरा दोस्त आ मैं ते कस्टर्ड बना बैठी हां कि कस्टर्ड मेनू लगदा नहीं लगदी है मेरी कस्टर्ड ना तैनू की पता कस्टर्ड की हुंदा कस्टर्ड कदी खादा जिंदगी च आहो कादा बनदा ओ हराजा हुंदा ए फिर तू किसे दरबार दी चादर खा बैठा अच्छा आगा साहब मेहंदी हसन का थोड़ा सा गाना सुना दे आपकी आवाज इतनी अच्छी है एक यार आपको पता मेरा गला बड़ा खराब है एक गला नहीं तो आप भी खराब ही हैं आ क्लैप थोड़ी सी होनी चाहिए आगा साहब मेहंदी हसन जी मेहंदी हसन को आप बहुत अच्छा गाते हैं गाणी लगा सी और की है और मेहंदी हसन नु पसंद भी बहुत कर दे कल जा रहे ने उन्हां दे कोल ही मैं आपको बताती चलूं कि आप तीनों का बुलावा आ गया अल्लाह माफ उतो से नहीं नहीं आप गाना तो सुनाए मुझे लगता ऊपर से तो नहीं आया बुलावा लेकिन वैसे बुलावा मुझे बताएगी बुलावा तो बहुत बुरी बात है कि जी आपका बुलावा आ गया नहीं वो पढ़े लिखे लोग है ना ऐसे ही कहते बुलावा आ गया
इन्हों को मर भी जाए तो असि तो रोन लग पे आए अब्बा मर गया ना ना ये समीना अच्छा, पापा डिलीट हो गए। आप लोगों को मैं कैसी लगती हूँ? नताशा कैसी लगती है? अच्छा इनसे पूछे कि मैं इन अच्छा मेरा ख्याल है जो मैंने परिजात को डायलॉग बोला था इनको भी बोल देना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बोलो बोलो उन्होंने तुसी आई लव यू कहा सी। खुद को इतना अमीर करो कि ये जो तुम्हारी शख्सियत के ऐब है दुनिया को स्टाइल लगने लगे। मेनु लगता वा शायरा लग दिया कहां शायरा लग दिया मेरे पुत्र इथो निकल चलिए जेड़े सानू इन्होंने पैसे देने ना इन्हें ले लेने हैं। नहीं ऐसी लड़कियों की ना जी आपकी मोहब्बतें आपका प्यार हमारे साथ जाएगा जी। आप इस मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक इस मुल्क को कायम और दायम रखे। थैंक यू आमीन। हम इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच जिंदाबाद गुजराला डीएचए जिंदाबाद जिंदाबाद। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया आपका हमारे जबरदस्त कॉमेडियंस के लिए माशाल्लाह से बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को जाते जाते बहुत अच्छी दुआ दी। हमेशा हम सबको एक बात याद रखनी चाहिए हम पाकिस्तानी जो भी हैं अपने मुल्क में हैं हम फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं हम जो भी करते हैं अपने काम से अपने नाम से पहचाने जाते हैं। अब्रॉड हम लोग ट्रैवल करते हैं लेकिन हमेशा सेकंड क्लास सिटीजन्स कहलाए जाते हैं माने जाते हैं और जाने जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान के लिए वाकई दुआ करें कि इंशाल्लाह हमारा मुल्क सलामत रहे और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तान के लिए जरा तालियां होनी चाहिए। अच्छा जी ये देख रहे हैं आप लोग इससे पहले कि हम आगे बढ़े हेलो आपका नाम